दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वर्किंग कमेटी की बैठक जारी। नए अध्यक्ष पद की तलाश पर चर्चा हो सकती है। सोनिया गांधी ने फुल टाइम पार्टी अध्यक्ष होने का दिया संकेत। एक्शन मोड में आयकर विभाग, 70 परिसरों पर की छापेमारी। 184 करोड़ रुपए का झोलझाला आया सामने। आतंकवादियों के निशाने पर हो सकते हैं छोटे शहर। राज्य सरकारों ने त्योहारी सीजन पर बढ़ाई सुरक्षा। अपराधियों, गैंगस्टरों और चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के दिए निर्देश। बलरामपुर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार सवार तेज चार को रौंदा, कार सवार मौके से हुआ फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में लंबे वक्त के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और इस बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में संगठन चुनाव, नए अध्यक्ष पद की तलाश पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सोनिया गांधी ने खुद के फुल टाइम पार्टी अध्यक्ष होने का संकेत दे दिया है। आपको बता दें कि बैठक में उन्होंने कहा कि अगर आप सभी मुझे ऐसा कहने की अनुमति देंगे तो मैं खुद को फुल टाइम पार्टी अध्यक्ष के तौर पर रखूंगी। हमने कभी भी सार्वजनिक महत्व और चिंता के मुद्दों को बिना सोचे समझे नहीं जाने दिया, लेकिन मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी का यह बयान पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 को करारा जवाब है। दरअसल कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि कांग्रेस के फैसले कौन लेता है ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वहीं संगठन के चुनाव पर सोनिया ने साफ कहा है कि पूर्ण संगठनात्मक चुनावों का कार्यक्रम आपके सामने है। 30 जून 2021 को चुनावी रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे। आप सभी से तय करें कि पार्टी में किसी एक की मर्जी नहीं चलेगी। सोनिया गांधी ने कहा कि पूरा संगठन कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना चाहता है, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी नेताओं को आत्मनियंत्रण और अनुशासन का ख्याल रखने की भी बात कही है। आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य से कथित रूप से जुड़े कम से कम 70 परिसरों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग के अनुसार इन परिसरों की छापेमारी के दौरान लगभग 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय के सबूत भी मिले हैं। ऐसे में आईटी विभाग ने पुणे और बारामती के साथ साथ गोवा और जयपुर में एक साथ छापे के दौरान मुंबई में दो अज्ञात रियल्टी कंपनियों और उनसे जुड़े कुछ अज्ञात व्यक्तियों और संस्थानों पर भी छापा मारा है। इस छापेमारी में दोनों व्यापारी और समूहों की लगभग 184 करोड़ रुपए की बेहिसाबी आय से जुड़े अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग के अनुसार छापेमारी से इन व्यापारिक समूह द्वारा कई कंपनियों के साथ लेन देन का पता भी चला है, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है। छोटे शहरों के आतंकवादियों के निशाने पर होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद केंद्र ने राज्य सरकारों से मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान टीयर टू शहरों की सुरक्षा बढ़ाने को लिए कहा है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। ऐसे सूत्रों ने खुफिया अलर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और थोक बाजार जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान आतंकवादियों के रडार पर हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे स्थानों के प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही छोटे और मध्यम शहरों में निर्धारित सुरक्षा मानदंडों को अपनाने पर भी जोर देने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी सलाह दी गई है कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार भीड़ पर नजर रखने के लिए प्रमुख बिंदुओं पर ज्यादा CCTV कैमरे लगाने के साथ इन स्थानों के प्रवेश बिंदुओं पर लोगों की तलाशी का सख्ती से पालन भी किया जाना चाहिए। वहीं राज्य पुलिस को भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक स्थानीय पुलिस को उन लोगों की पहचान अभियान भी करना चाहिए जो हाल ही में इलाके में स्थानांतरित हुए हैं। इसके साथ ही स्थानीय अपराधियों, गैंगस्टरों और चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए कहा गया है कि जो इन आतंकवादियों या जमीनी कार्यकर्ताओं की मदद या समर्थन कर सकते हैं।
बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार वकील को रौंद दिया, जिससे वकील की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वकील को रौंदने के बाद कार चालक ने भागने की कोशिश की, जिसके चलते तीन अन्य लोग कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें जिसके बाद कार सवार मौके से पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया और तीनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मृतक वकील की पहचान एडवोकेट रमन कश्यप के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार को जब्त कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बलरामपुर के थाना महराजगंज के लोकहवा के पास NH 730 की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बलरामपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार सवार ने चार लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बाकी के तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हरदोई के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों ने एक महिला कोच की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक महिला लखनऊ की कबड्डी टीम ब्लैक पैंथर की कोच है, जिसके खिलाड़ियों ने स्टेडियम में प्रतियोगिता के दौरान जमकर पिटाई की है। बता दें कि विरोधी टीम के खिलाड़ी प्रतियोगिता के दौरान हूटिंग कर रहे थे, जिससे नाराज होकर महिला कोच ने खिलाड़ियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर खिलाड़ियों ने महिला कोच की जमकर पिटाई कर दी। वहीं अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो हरदोई का ये पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग गुस्से में आकर महिला कोच की जमकर पिटाई कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अपने प्रतियोगी टीम के साथ लोग हूटिंग कर रहे थे, जिससे गुस्साए इस महिला कोच ने पहले उन लोगों को पीटा, जिससे गुस्साए उन लोगों ने महिला कोच को ही जमकर पीट दिया, जिसके बाद इस पूरी घटना का वीडियो वहां पर किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो पूरा का पूरा वायरल हो रहा है। तो हरदोई की ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हूटिंग करने को लेकर दो टीमों में ये विवाद हुआ और उसके बाद किस तरह से दोनों ही टीमों के बीच ये मारपीट हुई। महिला कोच और बाकी खिलाड़ियों में मारपीट का ही मामला सामने आया है, जहां पर इस मारपीट के बाद ये वीडियो भी बना लिया गया, कैमरे में कैद ये तस्वीरें हो गई हैं, जो साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से आपस में हूटिंग करने को लेकर ये लोग मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हरदोई से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, क्या ये पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट है? जी पारुल, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जो है ये हरदोई जिले के स्पोर्ट स्टेडियम का है, जो लखनऊ से कबड्डी टीम के लिए महिला कोच ने जमकर पिटाई कर दी है और जिसका ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है? जी आपको बता दें ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है, सभी जो है जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मोहम्मद, और ये जो इन दोनों ही टीमों के बीच मारपीट हुई है, क्या ये हूटिंग का ही मामला था या कुछ और वजह थी? नहीं, हूटिंग का ही मामला था, इसमें जो है जीतने के बाद इसको गिफ्ट वगैरह वितरित किए जा रहे थे, उसी बात को लेके इन लोगों की आपस में मारपीट हुई है, उसी का वीडियो वायरल हुआ है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हरदोई का पूरा मामला है, जहां पर खिलाड़ियों ने महिला कोच की जमकर पिटाई की। दरअसल हूटिंग को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों टीमों में आपस में ही मारपीट हुई और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है।
सहारनपुर के देवबंद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद के चलते ग्रामीण ने पुलिस और राजस्व विभाग पर शोषण का आरोप लगाते हुए अपने और अपने बच्चों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुदकुशी करने का प्रयास किया है, जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बमुश्किल सभी की जान बचाई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली क्षेत्र के गाँव सांपला खतरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सहारनपुर का पूरा मामला है जहां पर जमीनी विवाद के चलते ये इस शख्स ने कदम उठाया है, अपने बच्चों के साथ खुशखुशी करने का प्रयास किया है। साथ ही आपको बता दें कि बच्चों के साथ उसने मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी करने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर जो लोग वहां पर मौजूद थे, ग्रामीण वहां पर मौजूद थे, उन्होंने सभी की जान को बचा लिया। साथ ही इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव सांपला खतरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन इनकी है, जमीन मारी है जी। ये तो काफी दिनों से लपड़ा चला, बहुत दिन हो गया लपड़ा चलते चलते। इनका बाप भी इंतकाल कर गया, अब ये आए वो भी नहीं मर गया घूमते घूमते। चलिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता सुशील कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आखिर ये पूरा मामला क्या है और अब क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी जी, मैं बताना चाहूंगा, ये सहारनपुर के देवबंद में एक मामला आया है कि जमीनी को लेकर उनके परिवार ने आप कहा कि बिल्कुल आप इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सहारनपुर का पूरा मामला है जहां पर शख्स ने जमीनी विवाद के चलते खुदकुशी करने का प्रयास किया, जिसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसकी जान बचा ली, साथ ही परिवार के लोगों की भी जान बचा ली। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी भी दे दी है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कुछ दिन पहले क्रूज शिप में कथित तौर पर रेप पार्टी करने के आरोप में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया था। बताते चलें कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। वहीं अब एनसीबी की इस कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल सीएम ठाकरे ने एनसीबी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में केवल महाराष्ट्र में ही गांजा पकड़ा जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारी संस्कृति आंगन में तुलसी लगाने की है, लेकिन दुनिया को ऐसा दिखाने की कोशिश चल रही है कि अब यहां पर तुलसी की जगह गांजा लगाया जा रहा हो। ऐसा जानबूझकर करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा नहीं है कि गांजा सिर्फ महाराष्ट्र में ही बरामद किया जा रहा है। सुना है मुंद्रा बंदरगाह पर करोड़ों का ड्रग्स मिला है, आखिर कहां पर है ये मुंद्रा? गुजरात सही है। ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप यहां पर चिमटे भर गांजा सूंघने वालों को माफिया कहते हैं, किसी भी एक सेलिब्रिटी को पकड़ कर उसके साथ फोटो खींचते हैं और ढोल बजाते हैं। हमारी पुलिस ने 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी बरामद किए हैं। आप चिमटे भर गांजा सूंघते रहो, हमारी पुलिस अपना काम करती रहेगी। तो आपको बता दें कि लगातार ड्रग्स केस को लेकर बयानबाजी हो रही है और ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीबी पर ये बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आप चिमटी भर गांजा सूंघते रहो और हमारी पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। दरअसल एनसीबी पर लगातार आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को इस पूरे मामले में अब सुनवाई होने वाली है, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में ही गांजा पकड़ा जाता है, उसकी जगह तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा भी देश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर इसकी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दर्शाने की, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका महाराष्ट्र में ही होता है।
बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चेतावनी के बाद भी मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हमले के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बांग्लादेश के नोआखाली का है, जहां भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, मंदिर में मौजूद श्रद्धालु के साथ भी मारपीट की गई। मामले में इस्कॉन की ओर से ट्वीट कर हमले की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि इस्कॉन ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। ऐसे में इस्कॉन ने ट्वीट कर कहा कि बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर और श्रद्धालुओं पर भीड़ ने हिंसक हमला किया है। मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है और कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों को न्याय के दायरे में लेने की मांग करते हैं। चलिए, हमारे साथ हिंदू रक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जुड़ चुके हैं। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी जय श्याम। हाँ जी पिंकी जी, जिस तरह से बांग्लादेश में ये इस्कॉन मंदिर में हमला हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? भाई, जहाँ इस्लाम बढ़ा, जहाँ जिहादी और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं, वहां जो है ये मंदिरों को टारगेट करते हैं, उनको खत्म करते हैं। वो ये मतलब वो पूरे देश में एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ हिंदू ना रहे। अगर हिंदू जो है, या तो वो मुसलमान बन जाए, है ना, अन्यथा जो भी हिंदू जैसा हिंदू धर्म का जो भी प्रतीक है, जैसे हमारा मंदिर है, तो मंदिर को समाप्त करने का कार्य ये लोग करते हैं। और अब ये एक भय, जैसे अभी पाकिस्तान से चल रहा था, अब जो है बांग्लादेश में भी शुरू हो गया है। बांग्लादेश से भी शुरू से ही खबरें आती रहती हैं कि मंदिर तोड़ देंगे भाई। और अब तो ये इन्होंने इस तरीके से भयानक रूप एक जो है जिहादियों का इन्होंने दिखाया है, तो ये ठीक नहीं है। तो ये तो हिंदू जितने मतलब ये तो टारगेट करके उनको वहां से भगाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि बांग्लादेश की भूमि पर कोई भी हिंदू ना रहे। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ये लोग आखिर आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। जहां भी इस्लाम बढ़ा, इस्लामिक गतिविधियां जहां बढ़ गई, वहां हिंदू को पलायन कराया इन्होंने। और अब ये भयमुक्त ये चाहते हैं कि हिंदू को इतना प्रताड़ित किया जाए, इतना उसको डर दिखाया जाए कि या तो ये भाग जाए यहाँ से, अन्यथा ये जो है इस्लाम धर्म कबूल कर ले। तो मंदिरों को तोड़ना तो इनकी शुरू से इनका वो रहा है, षड्यंत्र कर रहे हैं ना ये हिंदू के खिलाफ। बिल्कुल पिंकी जी, षड्यंत्र की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं तो हिंदुस्तान में भी होती हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां भी ये घटनाएं बढ़ी, जहां मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, जहां मतलब जिहादी मानसिकता के लोग जहां भी बढ़ गए, वहां से हिंदू का पलायन कराया है इन्होंने। ये हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और ये सभी जगह से इनका तो सीधा सीधा फंडा है कि पूरी धरती पर इस्लाम रहना चाहिए, पूरे विश्व में इस्लाम रहना चाहिए, दूसरा कोई भी धर्म ये बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। चलिए ठीक है पिंकी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में भीड़ ने हमला कर दिया है, जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के चटगांव के मंडल में कोमिला क्षेत्र में कुरान के अपमान की बात फैलाकर हमलावरों ने कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला किया। इतना ही नहीं, मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई और इस दौरान हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया है। इन हमलों में 3 लोगों की जान भी चली गई है, जबकि 500 से ज्यादा हिंदू घायल हुए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले में पीएम शेख हसीना की चेतावनी के बाद भी रुकने का ये नाम नहीं ले रहे। शेख हसीना ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि जो भी कोई इस हमले में शामिल है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शेख हसीना ने यह भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के लोग थे। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर ने कश्मीर में जो निर्दोषों की हत्या हुई है और अभी जो बंगाल में पंडाल चलाए गए हैं, मूर्तियां खंडित की गई हैं, उन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कहां गए वो लोग जो कश्मीरियत की बात करते हैं और अब निर्दोष लोगों की हत्या पर चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं? मानव अधिकार की बात करते थे, कुछ लोगों ने गलतफहमी पाल रखी है। स्वामी दीपांकर ने कहा कि गलतफहमी निकाल दीजिए सर, और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
वर्तमान जो कश्मीर में घटना हुई है माखनलाल बिंद्रू जी से लेकर के सत्येंद्र कौर तक और दीपक चंद बख्शी तक, ये वाकई अपने आप को दहला देने वाली है। वो कहाँ गए लोग जो कश्मीरियत का नारा देते थे और वर्तमान मौन हो गए उन निर्दोषों की हत्या पर? क्या जरूरत थी आई कार्ड देख कर मार रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या कश्मीरियत या कश्मीरी पंडित वहाँ से चला जाए? तो आप समझ लीजिए कि आप मुकालते में हैं या ये कहूँ कि गलतफहमी में है। बहुत सारे लोगों ने अहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, गलतफहमी निकाल दीजिए सर। गुरु जी सर बांग्लादेश में भी ये वाकई अपने आप में दुखद है। अरे भाई, भगवती का पूजन करना, अपने संस्कारों का पालन करना या अपने संस्कारों का सही दिशा और दशा में निर्वाह करना कहाँ का गुनाह है कि आप लोग पंडाल तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं? मथुरा के विकास खंड चौमुहा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करने आने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जबरन खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल विद्यालय के शिक्षक बच्चों से स्कूल टाइम में पढ़ाई कराने के बजाय जबरन घास खुदवा रहे हैं। वहीं जब शिक्षकों से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि साहब आपके विद्यालयों में बच्चे स्कूल टाइम पढ़ाई करने के बजाय घास की खुदाई कर रहे हैं और आप खड़े होकर देख रहे हैं, तो उन्होंने शिक्षा ने मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए और कहा कि कहने लगे कि हमारे पास शिक्षा विभाग का आदेश है कि कोई भी मीडिया कर्मी स्कूल के अंदर नहीं आ सकता है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां पर आप देख सकते हैं कि विद्यालय में किस तरह से पढ़ाई करने के समय, जब क्लासेस चलने का समय है और वहां पर बच्चों को पढ़ाई कराने की बजाय घास खुदवाई जा रही है, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर हमारे देश का भविष्य जा किधर रहा है और भविष्य के साथ, देश के भविष्य और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वहाँ पर ये टीचर भी लगातार बच्चों से खुदाई कराते नजर आ रहे हैं। वहीं जब मीडिया कर्मी पहुंचे और पूछा कि क्यों बच्चों से खुदाई कराई जा रही है, क्यों बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा, तो उस पर शिक्षक भड़क गए और साथ ही वो कहने लगे कि ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि कोई भी मीडिया कर्मी स्कूल के अंदर नहीं आ सकता है। यानी कि इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पोल खुलती हुई विद्यालय प्रशासन की नजर आए तो मीडिया कर्मियों पर ही ये झूठा उन्होंने भड़क गए और कह दिया कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश है कि मीडिया कर्मी स्कूल में नहीं जा सकते हैं। क्या नाम है? कहां से हो? नौगाम के नगला मौला। जो ये बच्चों से इस स्कूल पे, नगला मौला के पे स्कूल पर जो घास उखड़वाई जा रही है, घास उखड़वाते हैं बच्चों पे, कीड़ा काटे हुए इसमें सफाई नहीं करवाता मास्टर। कौन उखड़वाता? मास्टर उखड़वाते हैं? हेडमास्टर उखड़वाते हैं, रतन सिंह मास्टर। तो कब कब उखड़वाते हैं ये बच्चों से घास? अभी तो 8 तारीख को करवाई। 8 तारीख को देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से, जहां उन्हें पढ़ाई करानी चाहिए, पढ़ने लिखने की, खेलने की उनकी उम्र है, उसी उम्र में उनसे ये घास खुदवाई जा रही है और इस तरह से स्कूल में उन्हें पढ़ाई और अच्छी शिक्षा देने की बजाय शिक्षक इस तरह से घास खुदवाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।